हेलो टू माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फिट एंड हेल्दी। टुडे वी विल रिवाइज व्यंजन बोध। नाउ लेट्स स्टार्ट व्यंजन। इसे हमने पहले भी रिवाइज किया है, इसको हम बार बार रिवाइज करेंगे तो हमारी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। नाउ लेट्स स्टार्ट। क से कबूतर, क से कछुआ, ख से खरगोश, ख से खत, ग से गधा, क से गमला, घ से घड़ी, घ से घड़ा, ढ़ खाली। रिवाइज अगेन। क से कबूतर, क से कछुआ, ख से खरगोश, ख से खत, ग से गधा, ग से गमला, घ से घड़ी, घ से घड़ा, ढ़ खाली। ये थी बेटा फर्स्ट लाइन। अब हम सेकंड लाइन पढ़ेंगे। च से चम्मच, च से चटाई, छ से छतरी, छ से छत्ता, ज से जग, ज से जहाज, झ से झरना, झ से झंडा, य खाली। रिवाइज अगेन। च से चम्मच, च से चटाई, छ से छतरी, छ से छत्ता, ज से जग, ज से जहाज, झ से झरना, झ से झंडा, य खाली। ये सेकंड लाइन थी। अब हम थर्ड लाइन पढ़ेंगे। ट से टमाटर, ट से टप, ठ से ठठेरा, ठ से ठेला, ड से डमरू, ड से डाकिया, ढ से ढोलक, ढ से डफली, ण खाली। फिर हम पढ़ेंगे। ट से टमाटर, ट से टप, ठ से ठठेरा, ठ से ठेला, ड से डमरू, ड से डाकिया, ढ से ढोलक, ढ से डफली, न न खाली। अब हम फोर्थ लाइन पढ़ेंगे। त से तरबूज, त से तबला, त
थ से थर्मस, थ से थैला, द से दवात, द से दवाई, ध से धनुष, ध से धागा, न से नथ, न से नल। रिवाइज अगेन, त से तरबूज, त से तबला, थ से थर्मस, थ से थैला, द से दवात, द से दवाई, ध से धनुष, ध से धागा, न से नथ, न से नल। नेक्स्ट लाइन, प से पतंग, प से पपीता, प से फल, फ से फावड़ा, ब से बकरी, ब से बतख, भ से भेड़, भ से भगत, म से मोर, म से मछली। रिवाइज अगेन, प से पतंग, प से पपीता, फ से फल, फ से फावड़ा, ब से बकरी, ब से बतख, भ से भेड़, भ से भगत, म से मोर, म से मछली। इसको आपने बेटा ऐसे ही रिवाइज करना है। अब हम इसको लिखना सीखेंगे। प से पतंग को कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले स्लीपिंग लाइन, फिर इसको ऐसे गोल शेप में बनाना है। इसके बाद स्टैंडिंग लाइन लगा देनी है। जैसे हम फोर बनाते हैं वैसे ये क्या है, प से पतंग, प से फल कैसे लिखेंगे, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ये फोर की तरह बनाना है। इसको दूसरी लाइन से नीचे तक ले जाना है। ये क्या बना हमारा, फ से फल, ब से बतख, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल इसके साथ ही लगाया, उसके बीच में एक लाइन लगाई, क्या बना बेटा ये, ब से बतख, भ से भालू। इसको ऐसे गुलाई में लेना है, नीचे ले जाना है, ऐसे घुमा के स्टैंडिंग लाइन लगानी है, फिर यहाँ से स्लीपिंग लाइन लगा देनी है। भ से भालू, ऐसे ही देखो स्टैंडिंग लाइन लेनी है। इसको घुमाया, इसके साथ एक और स्टैंडिंग लाइन लगाई, ऊपर स्लीपिंग लाइन, क्या बना बेटा, म से मछली। इसको आपने ऐसे ही लिखना है। एक बार हम फिर लिख के दिखाएं, प से पतंग, प से
फल, ब से बतख, भ से भालू, म से मछली। ऐसे ही ये लाइन कंप्लीट करनी है बेटा, इसको आपने ऐसे ही लिखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। बुक में भी आपने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। आई होप यू विल अंडरस्टूड। थैंक यू।